हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम ट्रेड कोपा 2018 में राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो कौन सा ग्रंथ है जो कि जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? वह है कान्हड़ दे प्रबंध। कौन सा है? कान्हड़ दे प्रबंध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वह है बाड़मेर। अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बाड़मेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक है मोहनोत नैन्सी। कौन है? मोहनोत नैन्सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज वो कहाँ स्थित है? तो वो है चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? तो अमृता देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? ये क्वेश्चन क्या था? ये था बोनस मार्क था क्वेश्चन उस पेपर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते थे। तो संत लालदास किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? वो जाने जाते थे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। संत लालदास जाने जाते थे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? मारवाड़ के शासक जो कि मुगलों से संघर्ष करते रहे वो थे चंद्रसेन। कौन थे? चंद्रसेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरचंग एक प्रकार का क्या है? तो मोरचंग होता है ना, वो एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना, उस टाइम जोधपुर का महाराजा कौन था? वो था हनुवंत सिंह। कौन था? हनुवंत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो आहाड़ सभ्यता थी उसकी सबसे पहले खुदाई किसने की थी? वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? तो गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज किस अभिलेख में कहा गया है? वो कहा गया है ग्वालियर के अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? ग्वालियर के अभिलेख में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो राग चंद्रिका की रचना किसने की थी? द्वारकानाथ ने। किसने की थी? द्वारकानाथ ने। राग चंद्रिका की रचना की थी द्वारकानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की शाही सेना के ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो अकबर की शाही सेना थी उसने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो उसने किया था हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो अहिरवाटी और मेवाती बोलियां कौन से वर्गीकरण में आती है? वो आती है उत्तर पूर्वी राजस्थान। किस में आती है? उत्तर पूर्वी राजस्थान में। अहिरवाटी और मेवाती बोली आती है उत्तर पूर्वी राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की गई 1934 में? वो की गई थी जोधपुर में। 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जोधपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है, ठीक है, तो कौन सा स्थल किन लोग देवी देवताओं का है? ठीक है, तो जसनाथ जी का स्थल कौन सा है? जसनाथ जी संबंधित है कतरियासर बीकानेर से। ठीक है, शीतला माता कहाँ है? चाकसू जयपुर। ठीक है, जम्बो जी कहाँ है? तो उनका स्थल है मुकाम नोखा। और जीन माता का कहाँ है? रेवासा सीकर में। कहाँ है? रेवासा सीकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? तो रणछोड़ भट्ट थे ना, उन्होंने संस्कृत में कौन से महाकाव्य लिखा? उन्होंने लिखा था राज प्रशस्ति। कौन सा लिखा था? राज प्रशस्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा से हड़प्पा
पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के कौन से स्थान पर मिले हैं? वो मिले हैं कोटडीजी। कहाँ पे मिले हैं? कोटडीजी में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवल सागर तालाब कहाँ पर है? तो नवल सागर तालाब है बूंदी में। कहाँ है नवल सागर तालाब? बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? तो इनमें से लालदास जी थे ना, वो जन्म से क्या थे? मुस्लिम थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान व डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? तो सीकर के किसानों की समस्याओं को तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड नामक से किसने किया था? वो किया था अपने राम नारायण चौधरी ने। तो डेली हेराल्ड और तरुण राजस्थान किसने लिखे थे? राम नारायण चौधरी ने। डेली हेराल्ड और तरुण राजस्थान लिखा था राम नारायण चौधरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोराताई ने मारवाड़ के रिक्तिस्थान की जान बचाई थी। तो गोराताई ने किसकी जान बचाई थी? उन्होंने बचाई थी अजीत सिंह की। किसकी? अजीत सिंह की जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से किसने संधि की थी? वो थे महाराजा जगत सिंह सेकंड। कौन थे? महाराजा जगत सिंह सेकंड थे, उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो गुहिल कहाँ पे रहते थे? मेवाड़ में, ये सही है। भाटी कहाँ रहते थे? जैसलमेर में, ये भी सही है। चालुक्य कहाँ रहते थे? गुजरात में, ये बात भी बिल्कुल सही है। और परमार मारवाड़ में रहते थे, ये बात गलत है। तो सुमेलित नहीं है, तो ये हुआ इसका आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो मांडलगढ़ कहाँ है? मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो है ना, अब इसका आंसर है हनुमानगढ़। इसका आंसर क्या है? हनुमानगढ़। ठीक है, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। SBBJ श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, ये चारों जिले राजस्थान के क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, राजस्थान के चार जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, SBBJ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो डाई नदी है ना, वो को किस जिले में पाई जाती है? वो पाई जाती है अजमेर में। कहाँ पाई जाती है? अजमेर में डाई नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान। अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? तो कौन सी खारे पानी की झील है जो कि लूनी बेसिन में है? वो है पचपदरा। कौन सी है? पचपदरा झील लूनी बेसिन में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मिट्टी मिलती है? तो भूरी मृदा किस जिले में मिलती है? सवाई माधोपुर में। किस जिले में? सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? बारा में है। ठीक है, लेकिन है ना, इसमें से कोई था नहीं, तो वो ये क्या था? एक बोनस क्वेश्चन था। ओके, ये बोनस क्वेश्चन था, ये शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बारा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति है ना,
किस क्षेत्र में पाई जाती है? वो पाई जाती है उपपाद क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? उपपाद क्षेत्र में स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू हुआ 1974-75 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़ में। कहाँ होता है? चित्तौड़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो भैंस की कौन सी जाति है कि जो कि दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? वो है मुर्रा। मुर्रा ना जाति है वो कि दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मैरिनो के नाम से जानी जाती है? तो भारतीय मैरिनो कौन सी है? चोकला। कौन सी है? चोकला। भेड़ की कौन सी जाति भारतीय मैरिनो कहलाती है? वो कहलाती है चोकला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर सिरोही पाली बाड़मेर आदि जिलों में पाई जाती है? तो गाय की कौन सी प्रजाति है जो कि जालोर सिरोही पाली बाड़मेर इनमें मिलती है? वो है प्रजाति कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? वो है उदयपुर व डूंगरपुर। मेन तो पूछा जाए तो क्या है? डूंगरपुर। सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में है? उदयपुर व डूंगरपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको मिलान करवाना है, ठीक है? तो तांबा है उसके क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, सिंघाना कहाँ है? झुंझुनू में। तो अपन से पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है? सिंघाना झुंझुनू में, ये सही है। बिदासर चूरू में, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, राजपुर दरीबा कहाँ है? राजसमंद में, ये भी सही है। लेकिन जो रेल मगरा है ना वो उदयपुर में नहीं है, तो ये गलत मैच है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में शीशा और जस्ता मिलता है? तो कौन से काल की चट्टानों में शीशा जस्ता मिलता है? वह है आर्कियन व प्रोटेरोजोइक। कौन सी है? आर्कियन व प्रोटेरोजोइक काल की चट्टानों में शीशा व जस्ता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो कौन सा है जो कि पेट्रोल उत्पादन स्थल बाड़मेर में नहीं है? तो वो है तन्नोट। तन्नोट कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। ओके, बाकी जो मंगला भाग्यम ऐश्वर्या ये सब कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। तो इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, तो तन्नोट कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वह है एमपी। कौन सा है? एमपी। सबसे बड़ा राज्य तो है राजस्थान और राजस्थान के बाद है एमपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो विलास सिंचाई परियोजना का संबंध, ये वाला क्वेश्चन क्या था? बोनस मार्क था। ओके, तो इस क्वेश्चन के आंसर गलत था और इसके बोनस नंबर दिए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है? तो सिद्धमुख नहर के द्वारा है ना किस में सिंचाई की जाती है? वो की जाती है चूरू व हनुमानगढ़ में। सिद्धमुख नहर द्वारा कहाँ सिंचाई की जाती है? चूरू व हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलायत लिप्त नहर का नया नाम क्या है? तो कोलायत लिप्त नहर का नया नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर। क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया अक्टूबर 2017 को। कब किया गया? अक्टूबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरों को खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो उस कमरों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है खस घास होती ना, खस घास, उसका उपयोग किया जाता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।